जिस तरह लड़के को मिल रहा हक वैसे लड़की को भी हक मिलना चाहिए। घर में इज्जत कोई नहीं देता है लड़की लोग को, गांव समाज में नहीं देता है लो इज्जत लड़की को। मतलब एकदम जो जैसे लड़का को समान अधिकार मिल रहा है वैसे आपको भी मिल रहा है? नहीं वैसे नहीं मिल रहा, थोड़ा कम मिल रहा है। आपकी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं। और रास्ते में जितना सेफ मतलब लड़के महसूस करते उतना सेफ आप लोग महसूस करती है? नहीं, बाहर जाने पर बहुत कड़ा लगा, छटकानी कर रहा है लोग। अच्छा, नमस्कार, जय बिहार, मैं ओपिनियन बिहार से मोहम्मद आशिक। हम लोग अभी एक गांव में मौजूद हैं और बिहार के सिवान ज़िले में ये गांव है, खानपुर खैराटी। यहां पे कुछ लोगों से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसा कि आज महिला दिवस है तो कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं और कुछ महिलाएँ भी हैं। तो आज महिला दिवस है, हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि जो समाज में आज जो महिलाओं को इज्जत मिल रहा है या पहले से मतलब बेहतर हो गया है, जैसे पहले महिलाओं को जैसे इज्जत मिलता था, पहले से मतलब अभी बच्चों को लड़कियों को पढ़ने के लिए भी अधिकार मिल रहा है। आप बताइए क्या दिक्कत आपको महसूस होता है? आपका क्या नाम है? पहले नाम बताइए। काजल परवीन। लगता है कि समाज में चेंजिंग होनी चाहिए कि ना? जरूर होनी चाहिए चेंजिंग। किस तरह का बदलाव चाह रही है समाज में, जो सोच है लोगों का लड़की का लेकर के? जिस तरह लड़के को मिल रहा हक वैसे लड़की को भी हक मिलना चाहिए। क्या लड़के जैसे को मिल रहा है उस तरह से लड़की को भी मिलना चाहिए, बराबरी मिलना चाहिए? जी बराबर मिलना चाहिए। लेकिन हमने तो देखा है कि रिजर्वेशन सरकार कर दिया है, अभी आपको बताना चाहेंगे जैसे कि अभी तो सरकार उतना लड़कों को सम्मान नहीं मिल रहा जितना लड़कियों को मिल रहा, नौकरियां मिल रही है लड़की को 50%। जी तो इस पर सरकार तो कर ही रही है काम, और क्या मतलब घर में या समाज में कोई किसी भी तरह का बदलाव आप बताइए जो चाह रही हैं? वो तो है, वो तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं मोदी जी। घर में इज्जत कोई नहीं देता है लड़की लोग को, गांव समाज में नहीं देता है लो इज्जत लड़की को। तो क्या बदलाव होना चाहिए बताइए? बदलाव होना चाहिए यही कि घर के आदमी को भी बेटी को बेटी नहीं बेटा समझना चाहिए, समान का हक देना चाहिए, समान का इज्जत देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। लड़कियों को बार बार नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि लड़की पैदा होती है तो समाज में बहुत सारी गंदी भ्रांतियां हैं कि लड़की पैदा होगी तो बोझ पैदा होगी। हाँ ये तो सही बात है, सही बात है। हाँ, सही बात है। तो क्या लग रहा है लड़की अगर पढ़ लिख करके पुलिस इंस्पेक्टर ऑफिसर कुछ अच्छा काम मतलब करने लगे तो लड़की तो लड़के से भी अच्छा काम कर सकती है? हाँ, लड़की तो लड़के से भी अच्छा काम कर सकती तो है। ये सब सोच जो समाज में गंदगी है इसको बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? नासरीन खातून। आपका क्या है इस पर विचार, कुछ बदलाव चाह रही है आपको? कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी पढ़ाई वगैरह, घर से कोई प्रेशर ऐसा फील तो नहीं होता आपको कि आपको लड़की समझ के दबाया जा रहा है कि आप लड़की हैं तो आप ये नहीं कर सकती हैं, लड़की हैं तो आप वो नहीं कर सकती, इस तरह का कुछ? नहीं, सब कुछ ओके है। आपको लड़का की तरह मिलता है एकदम घर से, मतलब एकदम जो जैसे लड़का को समान अधिकार मिल रहा है वैसे आपको भी मिल रहा है? नहीं वैसे नहीं मिल रहा, थोड़ा कम मिल रहा है। कम मिल रहा है, इस पर भी मतलब बदलाव होना चाहिए। जैसे कि जिस तरह से ओपनली लड़के पढ़ने जाते हैं या कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन बोला जाता और उपेक्षाएँ कि आप क्या चाह रही हैं, किस तरह से रहना चाह रही हैं, आप लोग की आज़ादी पर क्या है मतलब? हम ये चाह रहे हैं कि लड़कियों को उनके जो पढ़ाई है वो करने दे और घर से बाहर निकलने दे, उनको भी कुछ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस लड़की ही पढ़ेंगे, लड़के ही बाहर निकल सकते हैं, लड़कियां भी कुछ पढ़ लिख के कुछ बन सकती। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी मतलब अब घर वाले भी इस वजह से नहीं भेजते हैं कि समाज गंदा है। क्या नाम है आपका? वाजिदा खातून। वाजिदा खातून, ये पापा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। पढ़ाई आपकी सही से हो पाती है? जी। घर से सब कुछ पैसा मिल जाता है? अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं? नहीं। आपकी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? विक्की। सरकारी स्कूल में? अच्छा अच्छा, ये बताइए यहाँ तक दिक्कत है छोटे बच्चों लोगों में, जो सरकारी स्कूल में गरीब की बच्ची पढ़ रही है उसे पढ़ाई भी अच्छे से नहीं मिल रहा है। चलिए इस पर जो भी हमारे सरकार देख रही है, हम आग्रह करते हैं कि महिलाओं में जो भी दिक्कतें आ रही हैं इस पर हमारी सरकार को काम करना चाहिए। जैसे कि आज जो महिला दिवस है, आप लोगों को पता है कि महिला दिवस है? हाँ पता है। पता है तो महिला दिवस पे आप लोग क्या करती है, क्या होता है महिला दिवस पे? दिक्कत तो बहुत है बिहार में। महिलाओं को क्या दिक्कत है इस पर बोलिए आप लोग, आप लोग पढ़ाई कर रही ना आप लोग? क्या आप लोग सेफ महसूस करती हैं पढ़ने जाती हैं जब क्लास, तो रास्ते में जितना सेफ मतलब लड़के महसूस करते उतना सेफ आप लोग महसूस करती हैं? नहीं करती है। ये आप दिल्ली की महिलाओं से पूछिए, केरल की महिलाओं से पूछिए, वहाँ की लड़कियाँ ऐसी हैं कि लड़कों को मार देती हैं। देखा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब आज यहाँ की महिलाएं कमजोर है कि नहीं है बिहार की महिलाएं? हाँ, एग्री है ना इसी से? क्या लग रहा है आपको, बिहार में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार बराबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या सभी माँ बाप चाहते हैं कि आज मेरी बेटी पढ़े, मेरी बहन पढ़े?
चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं। लोग डरते हैं कि समाज में अगर वो जाएगी लड़के छेड़ेंगे या कोई खराबी हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम समाज में आपको दिख रहा है, महिला दिवस है आज, महिला को लेकर के तो बोल सकती है। मतलब जब लड़की मतलब पढ़ने के लिए चाह रही, लोग बरजोर नहीं पढ़ा रहे, लोग बाहर जाने पर बहुत तरह लगकर छिड़कानी कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लड़के छिड़कानी करते हैं? हाँ, बहुत सारे जगह हो रहा है अपने जिले में। यही सब प्रॉब्लम पे हम लोग बात कर रहे हैं लोग, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? लड़कियों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि नहीं? तो ये सब के लिए क्या लग रहा है, क्या बदलाव होने चाहिए? सरकार मतलब क्या बदलाव करे? थाने पे एक महिला का अलग कैबिन बनाना चाहिए जहाँ पर महिला का सिर्फ सुना जाए, होना चाहिए ना इसे? और कोई आप अपना इसमें राय दे सकती हैं? बिहार में मतलब बदलाव क्या चाहिए महिलाओं को लेकर के? बिहार में बहुत सारा बदलाव चाहिए, मतलब लड़की सबका सुविधा चाहिए ना, सब चाहिए। जिस तरह का सुविधा चाह रही हैं आप लड़की के लिए, मतलब जैसे बाहर निकले लड़का छिड़कानी को उस पर कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई किस तरह से हो सकता है, थाना पे लिख करके या कैसे आप कार्रवाई करिएगा? मतलब महिला मतलब पूरे महिला को बिटोर कर या थाना पे कर सकते हैं लोग थाना पे। जैसे कि दिल्ली केरल में महिलाएं आज इतना निडर रहती हैं वहाँ पे पढ़ी लिखी, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा ज़्यादा है और यहाँ पे शिक्षा कम है। तो सबसे मेरा ओपिनियन ये रहता है ना कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को पढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। अगर महिला पढ़ी लिखी होंगी तो कोई उन्हें दबा नहीं सकता है। सही बात, मान सकते हैं ना इस चीज़ को।